दोस्तों आज हमारे बीच में देश के जाने माने हास्य कवि श्री अमित चितवन जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और सब टीवी, सोनी टीवी, स्टार टीवी और देश के बड़े बड़े मंचों पर अपनी कला का और अपनी हास्य कविताओं से सबको अपना पागल बनाकर रखा है। आज हमारे बीच यहां पर मौजूद है सर, आपका स्वागत है मेला महोत्सव और वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से। वीरेंद्र शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया कार्यक्रम चला रहे हैं आप लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेला 7 से 28 हो गया है और हो सकता है कि और आगे भी बढ़ जाए, पूरा महीना तो हो गई। और आप लोग जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी आपका तोता जो यहाँ पर डांस कर रहा था, चिरकुंडा, तो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पड़ोसन आ गई। हाँ, वो लेट रहा था ना, यहाँ मैं समझा पड़ोसन का उस पर वो आ गया, क्योंकि तुम कह रहे। और 3 बंदे थे, 2 केले थे, 2 केले लोगों ने खाए, कहा भाई मज़ा आया केले में। तो अभी क्या है कि बहुत बढ़िया मेला चल रहा है, तो मैं आपको दरअसल क्या है कि 2 दिन बाद वैलेंटाइन है, तो मैं चाहता हूँ कि वैलेंटाइन पे कुछ सुना देता हूँ आपको। सुना दीजिए वैलेंटाइन। कहाँ गए चिरकुट भाई? चिरकुट सुनो, चिरकुंडे आ जाओ, चिरकुंडे ये आ गया, ये चिरकुंडा पंख लग गया। अब सुन, सुन, वैलेंटाइन डे आ रहा है, जी जी, गर्लफ्रेंड को सुना देना। गर्लफ्रेंड को? हाँ, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, सुना देना। बीवी है मेरी? हाँ, बीवी को सुना देना। कौन सी वाली है? अमेरिका वाली बीवी। अच्छा, तो उसको सुना देना। उनको सुनाऊंगा बढ़िया प्यार से कि वैलेंटाइन डे की शाम हमारी प्रेम का बोली, मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे मजनू, चल भागतल से झुंझुनू। मैंने कहा झुंझुनू जाके क्या करेंगे? वो बोली नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। हमने कहा इतने सारे काम एक साथ कैसे कर पाएंगे, और शाम को अंडे बेचने के तेरे पिता ही जाएंगे। बोली नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी, अगर जमाना हमको एक साथ रहने नहीं देगा, एक साथ हमको जीने नहीं देगा, तो हम तुम दोनों मिलकर जहर की गोली खा लेंगे और वैलेंटाइन डे बड़ी धूमधाम से मना लेंगे। वाह वाह, क्या बात है। हमने कहा प्रिय हमारी प्रेम का जी, बात तुम्हारी 16 है सच्ची, इसलिए मैं तुम्हारा साथ 7 जन्मों तक निभाऊंगा। तुम आज गोली खा लो, मैं तो अगले साल खाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। आदाब, कहाँ से? ग्वालियर से। बस बहुत है दोस्तों, ऐसी बात होती है मेले में, चिरकुट भी है, इनका नाम बहुत अच्छा है, चिरकुंडा, यानी कि मेले का गुंडा आपके बीच में है दोस्तों। बात हो रही है, दरअसल क्या होता है कि हम लोग कभी कभी जब घर से चलते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं। जैसे तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने कहा मेरे को भाई विवेक शर्मा रेंचो के प्रोग्राम में जाना है, पत्नी से मैंने कहा मेरी पेंट कहाँ रखी है, ऐसी बात पे झगड़ा हो गया था घर में। कहने की जब भी तुम किसी प्रोग्राम में जाते हो कहते हो पेंट कहाँ रखी है, पेंट प्रेस हो गई भाई, क्या ये बताओ मुझसे मोहब्बत है या पेंट से। भाई साहब मैं जल्दी में तो था ही, मैंने कहा पेंट से तो मैं पहले आया आपका। तो वो कहने लगी क्यों, मैंने कहा भगवान तू ये छोड़ के तो कहीं भी जा सकता हूँ, पेंट छोड़ के नहीं जा सकता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाह वाह, क्या बात है। सर वो जो कविता एक और है आपकी, जो वर्ल्ड फेमस कविता है वो बाबा क्या बात में भी आपकी सुनी थी, वो वाली कविता हो जाए तो दर्शक चाहते हैं। और वो सामने बैठी है चाची, अच्छा। वो भी देख रही है, चच्ची भी देख रही है, गोलपाड़िया वाली चच्ची भी देख रही है, अवाड़पुरा वाली और मेलगांव वाली चाची और शंकरपुर वाली चच्ची वो भी देख रही है प्रोग्राम। तो दीनदयाल नगर वाले दद्दा भी देख रहे होंगे, दद्दा भी देख रहे हैं, पिंटू पारक वाले चाचा भी देख रहे हैं, तो मुरार वाले कक्का भी देख रहे होंगे, कक्का भी देख रहे हैं। तो चलिए वही सुना देता हूँ आपको, मैं सुना दीजिए। दरअसल ऐसे माहौल में गाना पड़ेगा तो गाने के लिए तो तुम समझ लो, चलिए मैं सुनाता हूँ। चिरकुंडा, क्या नाम बताया? चिरकुंडा, मेले का गुंडा, चिरकुंडा, और थोड़ा पानी, थोड़ा ठंडा। शांत, ओम शांति में पहुंच जाओ, हैं? ठीक है ना, तुमने बहुत केले खा लिए। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया,
रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंपू बजाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंपू बजाना छोड़ दिया। ओ जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली, जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया, क्या है भरोसा हमको ही वो ढस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो ढस जाए, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया, ओ बीबी के भाइयों ने जम के पीटा तो, बीबी के भाइयों ने जम के पीटा तो, साले की बीबी को पटाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंपू बजाना छोड़। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए घर बैठकर देश के जाने माने हास्य कवि अमित चितवन जी के लिए। और आज मेला घूमने आए थे तो और हमने मेज मेले में ही पकड़ लिया। क्या हो गया भाई? इमोशनल हो गया मैं। इमोशनल हो गया। कोई कविता सामने इतनी अच्छी कविता गाई तो हमें लगा कि यार इतना सुंदर गाना गाया, इसलिए मिठाई खिलाई। इसलिए मैं एक शायरी कहना चाहूंगा कि आपकी गायकी ने टूटे हुए दिल जोड़ दिए, आपकी गायकी ने टूटे हुए दिल जोड़ दिए, ऐसा गाया कि सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसा गाया कि सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपकी कनक की आवाज से ऐसा लगता है कि लड़कियों ने अपने बनाना बॉयफ्रेंड छोड़ दिए। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू माई सर, आई प्राउड ऑफ यू। आदि है ना, एंड इज फाइंड इट इज ए स्कैंडल ऑफ यू टू स्टैंड, एंड इज फाइंड इट इज ए स्कैंडल ऑफ यू टू स्टैंड, एंड चांडा की मंडी चांडा इन चौना इन। ये तो लगा रहेगा। चलिए अब बारी आती है गिफ्टों की, तो सबको कोई ना कुछ गिफ्ट देगी मेला महोत्सव की टीम के लिए। विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए, और एक आपके लिए एलिस व्हीकल से मात्र 13,000 में मिल रही है एलिस की गाड़ी। अच्छा, सचिन तेंदुलकर रोड पर है, सचिन तेंदुलकर रोड डीवी सिटी वाली रोड पर एलिस व्हीकल का ये शोरूम मात्र 13,000 रुपए में। और एक आपके लिए जीत फैशन, ये मैम को दे देना आप। क्या कर रहे, काम आएगा जे दुपट्टा है। जीत फैशन महाराजवाड़ा से पत्नी को दे दूं, मेरे गले में फांसी लगा सकती है। एक आपके लिए महाराजवाड़ा से, और एक एक आपके लिए बेटा, ये विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर से। एक भाभी जी, एक आपके लिए, और एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से। एक आपके लिए भी कावेरी मेहंदी से, एक बेटा आपके लिए कावेरी मेहंदी से, एक आपके लिए भी कावेरी की मेहंदी। हाँ, दुल्हन के मन को भाए कावेरी मेहंदी, एक आपके लिए भी एक कावेरी मेहंदी से, एक आपके लिए कावेरी मेहंदी से, एक आपके लिए कावेरी से, एक आपके लिए कावेरी से, एक आपके लिए कावेरी से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है कावेरी मेहंदी से, एक बेटा आपके लिए कावेरी मेहंदी से, एक आपके लिए भी, और सर आपके लिए। मैं क्या करूँ यार, आप मैम को दे देना कावेरी मेहंदी से, छतरी नंबर 3 पर लगा है कावेरी से। ए एलिस व्हीकल से एक आपके लिए, एक बेटा वेलनेक का ये शैम्पू, एक बेटा आपके लिए भी वेलनेक से, एक आपके लिए वेलनेक से, एक आपके लिए, और एक आपके लिए भी है वेलनेक शैम्पू। पसंद आए तो छतरी नंबर 3 से लेना वेलनेक से, एक आपके लिए भी वेलनेक से, एक आपके लिए भी है वेलनेक शैम्पू। महिलाओं के लिए बड़े शानदार शैम्पू है, और जिनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम है ये वाला शैम्पू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और एक भैया, एक आपके लिए भी है वेलनेक से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी वेलनेक से, और एक सर आपके लिए वेलनेक शैम्पू है, बड़ा शानदार है। अच्छा अच्छा, आप बालों में लगाना, बड़े शानदार बाल हो जाएंगे आपके। एक आपके लिए भी वेलनेक से, और एक एक आंटी जी, एक आपके बच्चों का फैशन है। हाँ, नवी फैशन पर ये महाराजवाड़े पर कोई नहीं, औजी के ठीक बगल में नवी फैशन,
बच्चों के सारे फैशन के कपड़े वहाँ पर मिलेंगे। बच्चों एक बेटा आपके लिए भी है नवी फैशन से रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल से, एक बेटा आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक सर आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, और एक आपके लिए VIP लगेज से और JBL से और वोल्टास से, रवि इलेक्ट्रॉनिक की ओर से ये शानदार गुड़िया एक आपके लिए, रवि इलेक्ट्रॉनिक और रवि ट्रेडर्स से आपके लिए, और एक बेटा एक आपके लिए ये छोटी बहन, हाँ आपने डांस अच्छा किया था, एक आपके लिए। हाँ दोस्तों कहना चाहूँगा अगर आप में भी ये टैलेंट तो आइए अपने टैलेंट को दिखाइए, क्योंकि टैलेंट देखने से और दिखाने से ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, जब तक हम देखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, तो देखना भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ तो दोस्तों कहना चाहूँगा आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, दिखाइए अपना टैलेंट। बच्चों की टाइमिंग 1:30 से 3:30 तक, छतरी नंबर कितना है? 3 पे स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 और मेरे साथ में छोटी गुड़िया, ये छोटे दर्शक हैं। हाँ काफ़ी दिनों से अपने पापा से जिद कर रहे थे विवेक भैया से मिलना है, काफ़ी दिनों से कर रहे थे। हाँ बिल्कुल काफ़ी दिनों से वही कर रहे थे अंकल के पास। तो मोबाइल पर देख रहे हैं आप प्रोग्राम को, एक आपके लिए ये प्यारा सा उपहार लीजिए, एक आपके लिए वोल्टास रवि इलेक्ट्रॉनिक से, एक आपके लिए।